subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। प्यारे दोस्तों, यार जितने लोग सेशन देख रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज अपना टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चे, फर्स्ट पार्ट तो मैंने कल करा दिया था, तो सेकंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई, शुरू करने से पहले भाई, आज दशहरा है, सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं प्यारे दोस्तों। तो भाई शुरू किया जाए, एक बार जल्दी जल्दी यार शेयर कर दो पहले वीडियो को, सभी लोग यार शेयर करना स्टार्ट करो, फिर मज़ा आएगा आगे। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन ये लीजिए भाई, कंप्यूटर जी ने हमसे कहने से पहले ही क्वेश्चन ला दिया। चले गाइस शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मोना और सनी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सनी और भव्या मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि भव्या मोना से 50% अधिक कार्य कुशल है तो मोना द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यार ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। बहुत ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मोना और सनी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, कह रहा है मोना और सनी जो है काम को 18 दिन में कर रहा है। देखो बच्चे, एक तरफ लिख दो मोना और एक तरफ लिख दो सनी। तो बच्चे आपको पता है कि मोना और जो, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, हाँ बच्चे आपको पता है कि मोना और सनी काम कितने दिन में कर रहे हैं, कहोगे सर काम को कर रहे हैं 18 डेज में। बहुत ध्यान से समझना बच्चे। अगला क्या कह रहा है, सनी और भव्या कितने दिन में कर रहे हैं, कहोगे सर 15 डेज में। तो यार सनी और भव्या काम को कितने दिन में कर रहे हैं, कहोगे सर ये काम को कर रहे हैं 15 डेज में। अब बच्चे बहुत ध्यान से समझते रहना, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो, सबसे पहले बच्चे आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। यानी बच्चे हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो कहोगे सर टोटल वर्क हमारे पास 90 यूनिट है। बच्चे देखो, मोना और सनी 18 दिन में 90 काम करें, यानी बच्चे एक दिन में कितना करेंगे, 18 × 5 = 90। देखो सनी और भव्या 15 दिन में 90 काम करें, यानी एक दिन में कितना करेंगे, 15 × 90। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना क्लियर। अब जरा बच्चे यहाँ पे देखो अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अगला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि भव्या मोना से 50% अधिक कार्य कुशल है। तो ये स्टेटमेंट बहुत कह रहा है, जो भव्या है वो मोना से 50% अधिक कार्य कुशल है। अगर इसकी एफिशिएंसी हम 100 लेट कर लें तो भव्या की कितनी होगी, तो कहोगे सर ये हो जाएगी हमारी 150। अगर बच्चे हम कैंसिल कर दें तो रेशियो कितना आएगा, कहोगे सर 2:3। यानी भव्या और मोना की एफिशिएंसी का रेशियो कितना, कहोगे सर 3:2। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे आओ और अलग अलग बांटना शुरू करो, जैसे कल के क्लास में मैंने आपको बताया था। एक तरफ लिख दो यहां पे कौन कौन है, कहोगे सर सनी है और बच्चे भव्या है, और यहां पर भी अलग अलग बांटने की कोशिश करेंगे कैसे, तो यहां पर भी हमारे पास दो लोग हैं, कौन है मोना है और कौन है सनी है। अब बच्चे देखो अलग अलग कैसे बांटेंगे, देखो मोना कितना काम कर रही, कहोगे सर मोना 2 काम कर रहे, भव्या कितना काम कर रही, कहोगे सर 3 काम कर रही। अब जरा देखो ये कितना होगा, इन दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है, कहोगे सर 6। तो अगर हम इसको 3 लेट कर लें तो क्या ये भी 3 होगा, बिल्कुल सही। देखो हर एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, अगर बच्चे सेटिस्फाई कर रही, अब हमसे पूछ रहा है कि मोना द्वारा अकेले कार्य को कितने समय में पूरा किया जाए। अब देखो मोना एक दिन में कितना काम कर रहा, कर मोना एक दिन में 2 काम कर रही, और टोटल वर्क कितना कहोगे बच्चे 30 90। तो भाई एक दिन में 2 काम कर रहा तो 90 काम कितने दिन में, कहोगे सर 45 डेज में। तो बच्चे जो आंसर आएगा कितना आएगा, कहोगे सर 45 डेज। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर बी ऑप्शन। प्यारे बच्चे यार जितने लोग आंसर बी ऑप्शन आ रहा, बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर बच्चे क्लियर है तो जल्दी से लिख के बता दो बस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चल जल्दी जल्दी भाई सभी लोग लिख के बताइए कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कंप्यूटर जी नेक्स्ट ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी डू इट इन 12 डेज, एंड सी एंड ए डू इट इन 12
20 days. In how many days A, B and C all working together can finish the same work? तो यार यहाँ पे पूछ रहा है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे. तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग और ऐड करो. अगर हम यहाँ पे पूछ दें एग्जामिनर बताओ A कितने समय में करेगा और B कितने समय में करेगा और C कितने समय में करेगा. तो भाई ये एडिशनल मैंने पूछ लिया आप लोगों से. कंप्यूटर क्वेश्चन लगा रहने थे. ये एडिशनल आपसे पूछा है कि भाई ए आप ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा. बच्चे ये एडिशनल है क्योंकि आपको पता है इस क्वेश्चन में इस ये जो सामने जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें चार क्वेश्चंस बनते हैं. तो भाई चारों या तो तीनों के बारे में पूछेगा या तो कहेगा ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा. तो भाई इनके बारे में पूछ सकता है. तो कैसे करेंगे क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो. बच्चे आपको पता है ए और बी मिलकर कितने समय में कर रहे हैं. कहोगे सर ए और बी मिलकर काम को कर रहे हैं 10 डेज में. बच्चे आपको पता है बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं. कहोगे सर बी और सी मिलकर काम को कर रहे हैं 12 डेज में. और बच्चे आपको पता है सी और ए मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं. कहोगे सर सी और ए मिलकर काम को 20 डेज में कर रहे हैं. प्यारे बच्चे सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो. तो बच्चे आपको पता है कि टोटल एलसीएम कितना आएगा इनका. कहोगे सर 60. यानी बच्चे अगर आप कोई आपसे पूछे टोटल वर्क कितना है, कहोगे सर 60. अब देखो ए और बी मिलकर 10 दिन में 60 काम करें. बच्चे एक दिन में कितना करेंगे 6. बी और सी मिलकर 12 दिन में 60 काम करें, एक दिन में कितना करेंगे 12 × 5 = 60. सी और ए मिलकर बच्चे 20 दिन में 60 काम करें, एक दिन में कितना करेंगे 3. यानी बच्चे हम कह सकते हैं ए बी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, बी सी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, सी ए मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं. अगर बच्चे हम आपसे पूछे ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं तो क्या आएगा 6, 5, 11 और 3, 14. क्या करेक्ट है? नहीं, गलत है बच्चे. क्यों गलत है? देखो यहाँ पे डबल ए शामिल है बच्चे, डबल बी शामिल और डबल सी शामिल. इसका मतलब बच्चे यहाँ पर ए बी सी का डबल डबल काम शामिल है. तो आप क्या करिए इसको 2 से डिवाइड कर दिए. कितना है 7. यानी बच्चे हमें अब ये मालूम पड़ा कि ए बी सी का सम कितना है, मतलब ए बी सी मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं. अब बच्चे ए बी सी मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और टोटल वर्क कितना है 60. डिवाइड कर दो कितना समय लगा, 7 × 8 = 56 और 4 = 60/7 दिन. मतलब 8 whole 4/7 days में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा. कौन सा ऑप्शन सही है? कहोगे बच्चे ए ऑप्शन सर बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. आगे एग्जामिनर आपसे खुद और चीज़ें डिमांड करता है. अगर एग्जामिनर कहता इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द सेम वर्क, कह रहा ए अकेले इस काम कितने दिन में करेगा. तो बच्चे आपको पता है टोटल वर्क तो हमारे पास 60 है. अगर हमें किसी तरीके ये मालूम पड़ जाए ए एक दिन में बच्चे कितना काम करता है. अब आपको पता है कि अगर मान लो ए एक दिन में 2 काम करता तो 60 काम 30 दिन में कर देगा. अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 60 काम 20 दिन में कर देगा. तो बच्चे हमें ये किसी तरीके पता करना है कि ए एक दिन में कितना काम करता है. अब जरा ध्यान से देखो, हमें पता है बच्चे ए बी सी मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं. अब ए बी सी मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं. अगर आपको ए के बारे में निकालना है तो बच्चे यहाँ से बी और सी को हटाओ. देखो बी और सी मिलकर बच्चे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कहोगे सर 5. इन दोनों ने मिलकर 5 काम कर दिया. और ए बी सी ने मिलकर बच्चे कितना काम किया, कहोगे सर ए बी सी ने मिलकर 7 काम किया. तो बच्चे ये कितना कर रहा होगा, कहोगे सर 2. जब तक ये 2 काम नहीं करेगा तब तक 7 काम कंप्लीट नहीं होगा. तो आप एक काम करिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. कितना हो गया 30 डेज. एज इट इज बच्चे जब हम बी के बारे में बात करेंगे तो टोटल वर्क आपके पास कितना है 60. अब देखो जब बी के बारे में बच्चे बात कर रहे होंगे तो अब की हम किसको हटाएंगे. अगर बी के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चे अब की ए और सी को हटाएंगे. आपको पता है ए और सी मिलकर बच्चे एक दिन में 3 काम कर रहे हैं. ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो बी कितना काम कर दे कि बच्चे 7 हो जाए. तो कहोगे सर बी अगर 4 काम कर देगा तो 7 काम कंप्लीट हो जाएगा. तो भाई आप इसको 4 से डिवाइड कर दो. कितना आएगा 15 डेज. प्यारे बच्चे एज इट इज जब हम सी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो बच्चे आपको पता है टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60. जब हम सी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो बच्चे अब की किसको हटाएंगे, कहोगे सर ए और बी को. बच्चे आपको पता है ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कहोगे सर 6. तो भाई सी कितना कर रहा होगा, कहोगे सर 1. तभी तो 7 कंप्लीट हो पाएगा. तो भाई इसको 1 से डिवाइड कर दो. कितना गया 60 डेज. प्यारे बच्चे तो देख लो ए अकेले काम को 30 दिन में करेगा, बी अकेले काम को 15 दिन में करेगा और सी अकेले काम को 60 डेज में करेगा. अब एग्जामिनर के पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता जो आपसे पूछ सके. पूरी की पूरी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है. तो जल्दी जल्दी बताओ कि सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है. अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि भाई सर ये डाउट है.
चलिए गाइस जल्दी जल्दी बताइए कि कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि आपको पता मैं कमेंट बॉक्स बहुत अच्छे से रीड करता हूं आप लोगों का। चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लीजिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से बताओ यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ भी चेंज नहीं है, बस केवल डिजिट चेंज है। और आप लोग करके दिखाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या होगा। जल्दी जल्दी यार क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान समझो। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी डू अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी डू इट इन 24 days, एंड सी एंड ए डू इट इन 67 days। इन हाउ मैनी डेज सी अलोन डू द होल वर्क। तो बच्चे कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो यार देखो वही चीज निकल के आ गई आपके सामने कि एग्जामिनर तीनों के बारे में पूछ सकता है और एग्जामिनर ए बी सी सेपरेट भी पूछ सकता है प्यारे बच्चे। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं। क्योंकि सर ए और बी मिलकर काम को बच्चे 8 days में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 8 days में कर रहे हैं। अब बच्चे देखो बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं। कहोगे सर बी और सी मिलकर काम को 24 days में कर रहे हैं बच्चे। और बच्चे सी और ए मिलकर कितने समय में कर रहे हैं। कहोगे सर सी और ए मिलकर काम को 60/7 days में कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। तो आपको पता है एलसीएम कितना आएगा इनका। तो कहोगे सर ए, देखो एलसीएम बच्चे हमेशा न्यूमिनेटर को लेते हैं। इस वक्त आप 7 पे ध्यान मत देना, न्यूमिनेटर में कितना 8, 24 और 60। तो बच्चे एलसीएम लेते वक्त केवल 8, 24 और 60 का देखिएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 120। यानी बच्चे अगर हम आपसे पूछे टोटल वर्क कितना, कहोगे सर 120 है। अब जरा ध्यान से देखो ए और बी मिलकर 8 दिन में 120 काम कर रहे हैं बच्चे। एक और बी मिलकर अगर 8 दिन में 120 काम करें तो बच्चे एक दिन में कितना करेंगे, डिवाइड कर दो 15, 8, 120। बी और सी मिलकर बच्चे 24 दिन में 120 काम कर रहे हैं, यानी एक दिन में कितना करेंगे, कहोगे सर 5। अब देखो बच्चे इसकी बात आती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 60/7 days में 120 काम हो रहा है, यानी बच्चे एक दिन में क्या होगा, पहले 60 का डिवाइड करो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 14। मतलब सी और ए मिलकर एक दिन में 14 काम कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो ए बी सी मिलकर कितना कर रहा है। कहोगे सर ए बी सी मिलकर हमारा कर रहे हैं कितना, देखो 5, 5, 10, 4, 14 कैरी 1 हो गया यानी 34, डिवाइड बाई 2 कर देंगे यानी 17। अब बच्चे हमें मालूम पड़ गया कि ए बी सी मिलकर एक दिन में 17 काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझते रहना, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट ये है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा। अब बच्चे जरा ध्यान से देखो अगर सी के बारे में निकालना तो हम यहाँ से किसको रिप्लेस करेंगे, कहोगे सर ए और बी को। बच्चे ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कहोगे सर 15 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर बच्चे एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो सी कितना काम कर दे कि 17 काम पूरा हो जाए। तो कहोगे सर अगर सी एक दिन में 2 काम कर दे तो हमारा 17 काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बच्चे सी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 120 काम कितने दिन में करेगा, कहोगे सर 60 days में। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर डी ऑप्शन, यानी नॉट, नन ऑफ दीज। तो भाई जिसका आंसर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, भाई उन्हीं का करेक्ट है। देखो एग्जामिनर बहुत सोच समझ के एग्जाम सेट करता है। अक्सर लोगों को 17 का डिवाइड कर दो, आपका कोई ना कोई आंसर मैच कर देगा। 17, 119 + 1 यानी पहला ऑप्शन मैच कर देगा। लेकिन देखो ध्यान से कि ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। मतलब झटके में आप चीज़ों को गलत कर देते हो, वो चीज़ें एग्जाम में आपके लिए निगेटिव मार्क्स क्रिएट कर देती हैं प्यारे बच्चे। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एक बार जल्दी से बताते रहो कि सर क्लियर है कि नहीं क्लियर। और बच्चों अगर क्लियर हो रहा है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। और जितने लोग भाई पहली बार हमारे चैनल पे आए तो भाई उसको सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से बताओ यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्य को 24 दिन में और बी कार्य को 120 दिन में कर सकता है। यदि वे 13 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, कितना भाग शेष रह जाता है। बहुत ध्यान समझना यार क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ए काम को कितने दिन में कर रहा है, तो कहोगे सर ए काम को बच्चे 24 डेज में कर रहा है। बच्चे एक काम को 24 डेज में कर रहा है
और बी काम को कितने समय में कर रहा है? कहोगे सर बी काम को 120 दिन में कर रहा है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। तो बच्चे आपको पता है एलसीएम कितना है? कहोगे सर 120। देखो ये 24 दिन में बच्चे 120 काम कर रहा है। अगर बच्चे 24 दिन में 120 काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है? कहोगे सर 5। बच्चे ये 120 दिन में 120 काम कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? एक। यानी हम कह सकते हैं ए एक दिन में बच्चे 5 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, यानी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? कहोगे सर 6। दोनों मिलकर बच्चे 6 काम कर रहे हैं और 13 दिन तक साथ में काम किया, तो 13 गुणे 6 कितना हो गया? कहोगे सर 78 काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम था कितना? कहोगे सर 120 कंप्लीट कितना है? तो कहोगे सर 78 कंप्लीट। तो बच्चे शेष कितना है, रिमेन कितना है? तो रिमेन हमारा कितना हो जाएगा? 120 माइनस 78, माइनस करेंगे कितना आएगा? 10 माइनस 8 बच्चे कितना होगा? 2, 42। तो 42 काम शेष है। अब ये जो 42 है ये पूछ रहा है 120 का कितना भाग है? ये 42 जो है बच्चे वो 120 का कितना भाग है? तो भाई डिवाइड कर दो। अगर हम इसको डिवाइड कर दें किसे? 6 से। तो 6 × 7 = 42 और 6 × 2 = 12, यानी कितना आएगा? 6 × 7 = 42 बच्चे, 6 7 बार, 7/20। यानी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? कहोगे सर डी ऑप्शन। प्यारे बच्चे भाई जितने लोग का आंसर डी ऑप्शन है बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से बताओ कि सर क्लियर हो रहा है। अगर बच्चे क्लियर हो रहा है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी जल्दी बताइए कि सर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बताते रहिए भाई। स्क्रीनशॉट की चिंता मत क्या करो, आप लोग केवल पढ़ाई करो। अभी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और भाई ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। और बच्चे ये क्वेश्चन मेंस में आया था सीजीएल में, तो भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग यार क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 11 डेज। मतलब तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर देते सर? 11 डेज में। ए एंड बी कैन डू द टास्क इन 253 डेज एंड 23 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं? कहोगे सर ए काम को 253 डेज में करता और जो बी है वो काम को 23 डेज में करता है। बहुत ध्यान समझना बच्चे, जो जो डेटा दिया गया उसे एज इट इज नोट करते रहो और देखो क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखो यार क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी मिलकर कितने समय में कर रहे हैं? तो कहोगे सर ए बी सी मिलकर काम को 11 दिन में कर रहा है। बहुत ध्यान से समझते रहना, जरा ध्यान से देखो ए कितने समय में कर रहा है? कहोगे सर ए काम को 253 डेज में कर रहा है। और बच्चे बी काम कितने समय में कर रहा है? कहोगे सर जो बी है वो काम को 23 डेज में कर रहा है। तो बच्चे अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो। तो आपको पता है बच्चे जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, यानी एलसीएम कितना आएगा? तो कहोगे एलसीएम आ जाएगा सर 253 ही आएगा हमारा एलसीएम। अब देखो ये 11 दिन में 253 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? तो कहोगे सर एक दिन में 23 काम करेगा। ये 253 दिन में 253 काम कर रहा है, एक दिन में बच्चे एक करेगा। और ये 23 दिन में कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में कितना करेगा? 11 काम करेगा। अब बच्चे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वे अकेले कार्य करते, यदि सी अकेले कार्य करता तो वह कितने दिन में 4 सही 8/23% भाग पूरा कर लेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यार एक बात देखो, सी के बारे में पहले निकालते हैं। तो यार एक तरफ लिखो ए बी और सी, बहुत ध्यान से देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? कहोगे सर ए एक दिन में एक काम कर रहा है। बी कितना कर रहा है? कहोगे सर बी एक दिन में 11 काम कर रहा है। एज इट इज बच्चे सी की बात करते हैं। तो यार देखो ए बी सी मिलकर एक दिन में 23 काम कर रहे हैं। बच्चे ए बी सी मिलकर एक दिन में 23 काम कर रहा है, बहुत ध्यान समझना। और ए और बी ने मिलकर कितना काम कर लिया? 12 काम कर लिया। तो यार माइनस कर दो कितना आएगा? 12 जैसे माइनस करेंगे तो हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि सी एक दिन में एक काम कर रहा है। बहुत ध्यान से समझना, अब हमें यह मालूम पड़ गया कि सी एक दिन में बच्चे एक काम कर रहा है। इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हमें पूरा काम नहीं पूरा करना है, हमसे पूछ रहा है कि 4 सही 8/23% भाग कितने समय में पूरा होगा। तो यार बच्चे आपको पता है 4 सही 8/23%, 4 सही 8/23% कितने समय में पूरा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसकी बच्चे फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/23। तो बच्चे अगर हम इसको 1/23 कर दें कितना आएगा? जैसे ही डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? क्योंकि सर एक बार गया 23 बचा, 2 बचा 23, यानी 11। अब ये पूछ रहा है 11 काम कितने समय में कंप्लीट होगा। अच्छा एक बात बताओ, कंप्यूटर क्वेश्चन हटा दिए। बच्चे देखो हमें 11 काम करना है और सी एक दिन में करता कितना काम है? कहोगे सर 11। कंप्यूटर क्वेश्चन हटा दिए।
बच्चे हमें 11 काम करना है, और सी एक दिन में करता भी कितना काम है, 11 11 काम करता है, और एक 11 ही काम करना, यानी काम कितने समय में कंप्लीट होगा, एक दिन में। कौन सा ऑप्शन है, कंप्यूटर इक्वेशन विजुअल करिए एक बार, बिल्कुल हटा दीजिए, ये लीजिए गाइस ए ऑप्शन। तो भाई जितने लोगों का आंसर ए ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से बताओ कि सर क्लियर हो रहा है। अगर बच्चे क्लियर हो रहा है तो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि सर क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो यार, जितने और जितने लोग पहली बार आए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चले गाइस आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क बी फिनिश्ड। कह रहा कि टोटल वर्क फिनिश होने में कितना समय लगेगा। तो बच्चे देखो जरा ध्यान से, देखो एक काम को कितने समय में कर रहा है, कहोगे सर एक काम को 20 दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। और बच्चे बी काम को कितने समय में कर रहा है, कहोगे सर बी काम को 25 डेज में कर रहा है, बी काम को बच्चे 25 डेज में कर रहा है। सबसे पहले बच्चे आप एलसीएम ले लो, तो आपको पता बच्चे एलसीएम कितना है, कहोगे सर 100, यानी बच्चे टोटल वर्क कितना है 100। देखो ये 20 दिन में 100 काम कर रहा बच्चे, एक दिन में कितना करेगा 5, 25 दिन में 100 काम कर रहा बच्चे, एक दिन में कितना करेगा 4। अब जरा ध्यान से देखो, कह रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क, 5 दिन के बाद बच्चे बी काम छोड़ रहा, तो कम से कम 5 दिन तो ए और बी ने साथ में काम किया। बच्चे ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कहोगे सर 5 और 4 9 काम कर रहे हैं। एक दिन में बच्चे अगर 9 काम कर रहे हैं और 5 दिन अगर साथ में काम कर लिया तो कितना काम हो गया, कहोगे सर 45 काम कंप्लीट हो गया। टोटल था कितना, टोटल था कितना 100, कंप्लीट कितना है 45, तो बच्चे रिमेन कितना है, तो कहोगे सर रिमेन हमारे पास है 100 माइनस 45 यानी कितना है 55। अब बच्चे ये जो 55 वर्क है, कंप्यूटर की क्वेश्चन डाल दिए, ये 55 वर्क कौन करेगा। तो बच्चे आपको पता है कि अब बी तो काम छोड़कर चला गया, कंप्यूटर क्वेश्चन डाल दिए, क्वेश्चन हटा दिए। बच्चे देखो बी तो काम छोड़कर चला गया, तो बचा कौन, कहोगे सर ए, तो ए काम करेगा। तो बच्चे ए एक दिन में कितना काम कर रहा, कहोगे सर ए एक दिन में 55 काम, ए एक दिन में 5 काम कर रहा, तो भाई 55 काम कितने दिन में करेगा, तो डिवाइड कर दिए तो बच्चे आएगा 11 दिन। अब पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क बी फिनिश, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ध्यान समझो। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क बी फिनिश, अगर एग्जामिनर आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क बी फिनिश, तो बच्चे आपका आंसर होता 11 दिन। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क बी फिनिश, तो बच्चे टोटल वर्क का मतलब होता है ये 11 दिन तो होंगे ही होंगे और साथ ही साथ ये 5 दिन भी ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि काम कंप्लीट करने बच्चे ये भी समय तो लगा है, यानी आपका जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम जो बच्चे होगा वो कितना होगा 11 प्लस 5 यानी 16 डेज। कंप्यूटर जी जरा विजुअल करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है बच्चे, सी ऑप्शन हटा दीजिए। तो भाई जितने लोगों का आंसर सी ऑप्शन है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और बच्चे अगर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जितने लोग भाई पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ थोड़ा सा, जल्दी जल्दी भाई सभी लोग शेयर करते रहिए। ये लीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी से बताओ यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, बी कैन डू इट इन 36 डेज एंड सी कैन डू इट इन 48 डेज। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 4 डेज ए लेफ्ट देन आफ्टर 5 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट इन हाउ मैनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बच्चे ये पूछ रहा है कि सी जो है रिमेनिंग वर्क कितने समय में फिनिश करेगा। बच्चे बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, यार क्वेश्चन कह रहा है ए काम कितने समय में कर रहा है, कहोगे सर ए काम को 16 डेज में कर रहा है बच्चे, ए काम को बच्चे 16 डेज में कर रहा है। जो बी है वो काम कितने समय में कर रहा है, कहोगे सर बी जो है वो काम को 36 डेज में कर रहा है बच्चे।
आगे देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी कितने समय में कर रहा है, क्योंकि सर सी काम को 48 डेज में कर रहा है। तो बच्चे सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। तो अब ये बात आई कि सर इसका एलसीएम कैसे निकालें, तो यार ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर एलसीएम निकालना है तो देखो ये सारे नंबर किससे कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि सर चार से, चार चौक 16, चार नवाई 36, चार से कैंसिल कर देंगे 12। अब आप इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि सर इनका एलसीएम हो जाएगा 36 इजिली। अब ये नंबर कैसे आए, ये नंबर चार से सिंप्लीफाई करके आए ना, तो फाइनल में क्या करते हैं इसी को चार से मल्टीप्लाई कर दो। तो चार छंग 24, कैरी कितना होगा 2, चार तो 12, 2 14 है, यानी बच्चे हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है 144 है। बहुत ध्यान समझते रहना, यानी बच्चे हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है, कहोगे सर 144। और बहुत ध्यान से देखो आगे क्या करेंगे, यार देखो ए 16 दिन में 144 काम कर रहा है, बच्चे एक दिन में कितना करेगा, कहोगे सर 9 काम करेगा। 36 दिन में 144 कर रहा कितना करेगा 4, और 48 दिन में 144 कर रहा तो बच्चे एक दिन में 3 काम करेगा। मतलब ए एक दिन में 9 काम करता है बच्चे, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 3 काम करता है। अब जरा ध्यान से देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 4 डेज ए लेफ्ट। मतलब बच्चे कह सकता हूँ कि ए बी सी ने मिलकर काम करना शुरू किया। देखो ये देखो ए बी सी मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। तो अगर एक काम छोड़कर चला गया तो बच्चे बचा कौन, तो कहोगे सर बी और सी। तो यहां से बच्चे काम करने का ठेका ले लिया बी और सी ने। तो भाई बी और सी काम करते हुए जा रहे थे 5 आफ्टर वर्किंग 5 डेज, देन आफ्टर वर्किंग 5 डेज, मतलब कि ए के छोड़ने के 5 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, तो आखिरी में कौन बचा बच्चे, तो कहोगे सर आखिरी में सी बचा। कौन बचा, सी बचा। बहुत ध्यान से समझते रहो। अब देखो यहां पर ए बी सी ने मिलकर कितने दिन काम किया, कहोगे सर 4 दिन कितना कर रहे हैं 9, 4, 13 और 3, 16 16 काम कर रहे हैं बच्चे, 4 दिन काम किया कितना काम हो गया, कहोगे सर 64 काम हो गया। फिर बच्चे बी और सी ने मिलकर 5 दिन काम किया, कितना काम कर रहे हैं 4 और 3, 7 7 काम कर रहे हैं, 5 दिन काम किया कितना 35 काम हो गया। यानी बच्चे अगर हम देखें टोटल वर्क हमारे पास 144 तक कंप्लीट कितना है 5, 4, 9, 6, 3, 9, यानी बच्चे हम कह सकते हैं कि 99 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल 144 था, 99 कंप्लीट हो गया, बच्चे रिमेन कितना है, तो कहोगे सर रिमेन हमारे पास है 144 माइनस 99, कंप्यूटर की क्वेश्चन आदि, कहोगे सर 45। तो ये 45 काम हमारे पास रिमेन है। हमसे पूछ रहा इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बच्चे देखो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, कहोगे सर सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, और उसे काम कितना करना है, कहोगे सर 45। बच्चे डिवाइड कर दो कितना आएगा 15 डेज, यानी सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन है 15 डेज, कंप्यूटर जी विजुअल कर दीजिए। हाँ तो बच्चे कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर सी ऑप्शन, हटा दीजिए। तो बच्चे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जितने लोग आंसर सी ऑप्शन आ रहा बहुत बेहतरीन। तो यार बच्चों अगर समझ में आ रहा तो एक बार जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, फिर आगे मजा आएगा। चलिए जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए। तो बच्चे ये आपके लिए भाई ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है, नेक्स्ट डे हम लोग जब डिस्कस करना शुरू करेंगे तो यहीं से डिस्कस करना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों सभी लोग। तो भाई ये सभी लोग क्वेश्चन करके लाएंगे सभी लोग, और कंप्यूटर ये क्वेश्चन हटा दिए, कंप्यूटर वो स्लाइड दिखा दीजिए कहाँ। तो बच्चे आपको पता है यार अक्टूबर चल रहा है और आज दशहरा है, और वैसे भी दिवाली आने वाली है। हम चाहते हैं कि यार आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी सी बन जाए, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जाना कहाँ है अड्डा 24/7 के स्टोर पे, और जाके अपने लिए कुछ भी प्रिपरेशन के लिए कुछ भी अगर आप परचेज़ करते हैं, चाहे आप बुक मटेरियल परचेज़ कर लीजिए, चाहे बच्चे आप कहते हैं स्पीड टेस्ट परचेज़ कर लीजिए, चाहे आप बुक वीडियो कोर्सेज कुछ परचेज़ करते हैं, तो बच्चे आपको 100% कोई ना कोई अश्योर गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि वो आपको कैश बाउचर मिल जाए, हो सकता है बच्चे आप आईफोन जीत जाएं, हो सकता है आप लैपटॉप जीत जाएं, या हो सकता है कि आपको अड्डा 24/7 का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाए। तो भाई एक बार जाना है और अड्डा 24/7 के स्टोर पे ज़रूर विजिट करना है। कंप्यूटर जी स्लाइड हटा दिए। अच्छा बच्चों जल्दी से बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर बच्चों क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी तो जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, हम आपका वेट कर रहे हैं कि क्लास आपको कैसी लगी प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी। चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, ओके बाय।